फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर मोदी नगर से आ रही है, जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और इसमें हैरत की बात यह है कि दुष्कर्म करने वाले आरोपी भी नाबालिग हैं। दो नाबालिग ने मिलकर एक मासूम छात्रा जो तीसरी क्लास में पढ़ती है उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं उनमें से एक आरोपी छात्र नवी में और दूसरा दसवीं क्लास में पढ़ता है। पीड़िता की मां ने कहा कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, वह घर से बाहर काम पर गई हुई थी और छात्रा घर में अकेली थी। छात्रा को अकेले देख ही पड़ोस में ही रहने वाले मनचले लड़कों की हिम्मत बढ़ी और उन दोनों ने घर में घुसकर अकेली नाबालिग छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। परिजनों को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने तुरंत ही दोनों आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया और क्षेत्र अधिकारी महिपाल सिंह ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब गहनता से इस मामले की जांच की जा रही है। हमारा देश किस ओर जा रहा है वो तो आपको अब पता चल ही गया होगा। छोटे बच्चे तक किसी को नहीं छोड़ रहे। नाबालिग छात्रों ने मिलकर रेप की घटना को अंजाम दे दिया। इससे शर्मिंदगी वाली बात कुछ और हो ही नहीं सकती। वहीं अब देखना ये है कि क्या इन लड़कों को तुरंत ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी या ये मामला भी निर्भया मामले की तरह सालों तक चलेगा। आपको ये भी बता दें कि जिन दरिंदों ने निर्भया की जिंदगी को पल भर में नर्क बना दिया और उसे मौत तक पहुंचा दिया, वो अब भी जिंदा है और अपनी सांसों के लिए हर सुनवाई में नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। रोज रोज कानून के दांव पेच में फांसी को उलझाने के पैतरे आजमाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली निर्भया गैंग रेप और हत्या के दोषियों को फांसी देने के लिए अब 3 मार्च की तारीख तय की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 मार्च को निर्भया के दोषियों को फांसी होगी या फिर पहले की तरह ही ये तारीख भी जाया जाएगी। रेप और हत्या जैसी संगीन जुर्म करके भी ये हैवान अब तक जिंदा है। मौत का फरमान बार बार इनके लिए जारी किया जा रहा है और बार बार ये अलग अलग तिगड़म लगाकर बचते जा रहे हैं, लेकिन उनके मौत की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। मौत को इतने नजदीक देख के ये इतने बौखलाए हुए हैं कि फांसी पर चढ़ने के बजाय इन दरिंदों को खुद की जान लेना ही आसान लग रहा है। इसलिए ये कभी जेल की दीवारों में सिर पटक रहे हैं तो कभी सेफ्टी पर निकालकर फांसी को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि 3 तारीख को इन दरिंदों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और ये फांसी समाज में उन दरिंदों के लिए कभी ना भूलने वाला सबक होने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।